कैसे हैं आप लोग। मैं अविनाश त्रिपाठी आप सभी लोगों का केपी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपने डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए नियमित कक्षाएं लेके आ रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को GSE कक्षाएँ दे रहा हूं। इस क्रम में मैंने कल इतिहास पर एक परिचर्चा की थी आपसे। इसमें मैंने आपसे इतिहास क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, क्यों पढ़ें, कहां से पढ़ें, इतिहास में जो बहुत सारे भ्रम फैला दिए गए हैं उन सबका मैंने खंडन किया था। वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आज की क्लास में मैं आपसे चर्चा करूंगा इतिहास विषय के पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, क्या बोलते हैं, सिलेबस पर चर्चा करूंगा। और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम इतिहास में क्या पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास से मैं आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास की नियमित वीडियो लेके आना शुरू करूँगा। किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले उसमें हमको क्या पढ़ना है ये जानना सबसे ज़रूरी है। हम तैयारी शुरू कर देंगे, उससे पहले हमको इस तैयारी में क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान देंगे, इतिहास में सबसे पहले मैं शुरू करूँगा प्राचीन भारत के इतिहास, और उसकी मैं कल से आपकी वीडियो देना शुरू करूँगा। आज मैं आपको सिलेबस पर चर्चा करूँगा कि क्या और कैसे कितने दिनों में कौन सी क्लास हम खत्म करेंगे। आइए देखते हैं, टॉपिक है इतिहास और आज का विषय है पाठ्यक्रम पर चर्चा। पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा और आप लोग दो सेकंड सोच के जवाब देंगे, वो है इतिहास के कितने भाग हैं। दो सेकंड का मैं आपको समय दूंगा। अब जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में जो उत्तर आया होगा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके दिमाग में यही उत्तर आया होगा इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, ये हम भारतीय इतिहास का विभाजन इस तरह करते हैं। वास्तव में इतिहास एक शब्द है, पूरे विश्व के लिए एक शब्द है। तो जो इतिहास सार्वभौम शब्द है उसके 3 भाग हैं इतिहास के। कौन कौन से? पहला प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। ऑफलाइन की क्लासेज में जब मैंने जितनी भी बार बच्चों से पूछा है इतिहास के कितने भाग हैं, जवाब यही आता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। जबकि वास्तव में इतिहास के 3 भाग हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों पर विस्तृत चर्चा मैं कल करूँगा। एक शब्द मैंने एक मतलब ये गांव में एक फेमस प्रश्न होता है जो लोग प्रारंभ में तैयारी किए रहते हैं, बच्चों से पहला प्रश्न ही पूछते हैं इतिहास के कितने भाग हैं और हम लोग गलत आंसर देते हैं। वो जो 3 भाग हैं इतिहास के, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन वास्तव में इतिहास के कितने भाग हैं? 3। इन तीनों 3 भागों में बांटने का जो आधार है वो है लेखन शैली। क्या है? ये जो वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण का आधार क्या है? स्वरीकरण का आधार लेखन शैली। क्या है? लेखन शैली। मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, बाकी कल मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसका हमको न लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो न पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो। आद्य ऐतिहासिक काल उसे बोलते हैं जिसके हमको लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध तो हों लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा ना जा सका हो। फिर ऐतिहासिक काल वो है जिस समय के हमको पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हों और दोनों को हम लिखित साक्ष्यों को हम क्या पढ़ पा रहे हों। तो ध्यान दें, लेखन कला के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, जिस समय का ना हमको लेखन की कोई विधि मिली है, ना कोई लेखी साक्ष्य मिला है, ना कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका हमें लेखी साक्ष्य मिला है और पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, दोनों मिला है लेकिन लेखन कला को पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिस समय की लेखन कला भी विकसित है जिसको हम आज पढ़ सकते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। इस पर मैं कल विस्तृत चर्चा करूंगा, आज मैंने आपको एक बताया। फिर हम देखेंगे हमको चर्चा करनी किस पर? पाठ्यक्रम पे। किसमें चर्चा करनी है? पाठ्यक्रम पे। तो इतिहास क्या शब्द है? इतिहास शब्द है, कल मैंने बताया था इतिहास का अर्थ होता है इति धनहास, ऐसा ही हुआ था।
ऐसा ही हुआ था, उसी जो इतिहासकारों ने लिखा है, जो पास्ट में घटित घटनाएं हैं, जो क्रमबद्ध हैं, जिनका एक क्या कहते हैं समय सीमा है, जिनका अनुक्रमिक विवरण मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास में हमको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है भारत का इतिहास, इसको पढ़ना है भारत का इतिहास, भारत के इतिहास। फिर अब देखिए भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, तीन भागों में। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। तीसरा क्या है, आधुनिक भारत। ध्यान देंगे भारतीय इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, भारत के इतिहास। भारत के इतिहास तीन भाग में है, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करेंगे। देखिए ये जो वर्गीकरण है ये क्या कहते हैं, एकदम प्रमाणित वर्गीकरण है भारतीय इतिहास के। लेकिन इसको समझने के लिए कि इसमें हम किस इसमें 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 क्या पढ़ते हैं, मैं आपको एक वर्गीकरण बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई सार्वभौम वर्गीकरण नहीं है। ध्यान देंगे प्राचीन भारत में हम हिंदू शासकों के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में, हिंदू शासकों के बारे में। मध्यकालीन इतिहास में हम मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ते हैं, मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत में हम अंग्रेजी शासन के बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेज ब्रिटिशर्स ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये वर्गीकरण कोई मान्यता प्राप्त नहीं, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि प्राचीन भारत में ज़्यादातर हम हिंदू शासकों के बारे में पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में हम ज़्यादातर मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ते हैं, सल्तनत काल और मुगल काल। लेकिन उस समय जो राजपूत राजवंश थे और जो राजवंश थे उनका अध्ययन भी हम करते हैं, और आधुनिक भारत में हम अंग्रेजी शासन के बारे में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो कोई पूछेगा प्रमाणित वर्गीकरण क्या है, तो यही है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन समझने के लिए हम जानते हैं हिंदू शासन पढ़ते हैं, मुस्लिम शासन और अंग्रेजी शासन। अब प्रश्न आता है प्राचीन भारत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न में जो पहला उत्तर आता है, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। क्या अपना टॉपिक, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारत के इतिहास हम कहाँ से पाते हैं, किस आधार पे हम प्राचीन इतिहास का बात लिखते हैं, कहाँ से हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं। पहले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या है, कहाँ से हमको प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, क्या हम पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रागैतिहासिक काल के हमको न लिखित विवरण उपलब्ध है न ही पुरातात्विक साक्ष्य है। तो ध्यान देंगे प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाषाण काल। तो हम दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंसान जब पत्थरों के बीच रहता था, जब इंसान जंगलों में रहता था, जब इंसान बर्बर था, कपड़े नहीं पहनता था, तब हम इसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। फिर हमारा तीसरा चैप्टर है वो है सिंधु घाटी या सैंधव सभ्यता, क्या है, सिंधु घाटी या सैंधव सभ्यता। फिर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी के बारे में। जो चौथा चैप्टर आता है वो है हमारा वैदिक सभ्यता, कौन सी, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दो भागों में हम पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ध्यान देंगे हम पढ़ेंगे वैदिक काल दो भाग में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में, इसके बारे में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। यानी जब तांबे का प्रश्न शुरू हो गया था उस समय क्या हुआ था, हम इसमें पढ़ेंगे। तांबे के प्रश्न के साथ इतिहास में क्या क्या परिवर्तन आए वो हम इसमें पढ़ते हुए आगे चलेंगे। फिर देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा होगा धर्म सुधार, क्या पढ़ेंगे, धर्म सुधार। दो भागों में इसको हम पढ़ेंगे, एक में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, दूसरे में पढ़ेंगे जैन धर्म, क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म।
फिर हम पढ़ेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम? छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन सा? पहला हम पढ़ेंगे मगध के बारे में, इसके बारे में मगध के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण। ध्यान देंगे जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व है इसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, और महावीर चिंता महाजनपद, उन्हीं महाजनपदों में एक महाजनपद आएगा मगध, जो सबको हरा के भारत में एक सत्ता स्थापित करेगा, तो उसे पढ़ेंगे मगध और विदेशी आक्रमण के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे? द्वितीय नगरी क्रांति का महत्व। अब देखिए, प्रथम नगरी क्रांति किसको कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। द्वितीय नगरी क्रांति किसको कहा जाता है? तो महाजनपद काल को कहा जाता है। द्वितीय नगरी क्रांति का महत्व क्या है, हम इसको ये पढ़ेंगे। फिर देखेंगे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मौर्य काल। क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। फिर क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। फिर क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल। फिर क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल। और इसी गुप्तोत्तर काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, यानी इसके बाद मध्यकाल शुरू होने वाला है, मध्यकालीन इतिहास शुरू होने वाला है, तो उसके पहले काल को क्या बोलते हैं? गुप्त काल बोलते हैं। तो ध्यान देंगे ये मोटा मोटा वही मैं आपको बता रहा हूँ, गुप्तोत्तर काल तक हो गया। फिर हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? देखेंगे यहाँ पे इस पर हम पढ़ेंगे राजपूत वंश। क्या पढ़ेंगे? राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं यहां लिख दे रहा हूं राजपूत वंश। फिर हम क्या पढ़ेंगे? चोल चालुक्य, चोल चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में चोल चालुक्य पल्लव वंश। और फिर क्या पढ़ेंगे? संगम काल के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर आएगा विभिन्न। क्या आएगा? विभिन्न। आइए मैं आपको किसमें क्या पढ़ना है मैं ये फिर से आपको रिकैप करवाता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। के पहला चैप्टर होगा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारत की हमको जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कौन कौन से साक्ष्य हैं जो हमको उपलब्ध होते हैं, कैसे कैसे साक्ष्य उपलब्ध हैं, यानी प्राचीन इतिहास की जानकारी का जो स्रोत है माध्यम, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर अगला चैप्टर आएगा प्रागैतिहासिक काल। इंसान का क्रमिक विकास हुआ है, पहले इंसान एक जानवर था, उसका क्रमिक विकास हुआ, आगे बढ़ के वो आया है। हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, यानी पत्थरों का समय। क्या? पत्थरों का समय। इंसान पत्थरों के बीच रहता था, पत्थरों के हथियार बनाना सीखे, यानी हम पाषाण काल का अनुभव करेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की पहली सभ्यता है कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता दो भाग में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, ऐसा समय जब इंसान तांबा और पत्थर दोनों का यूज करना सीख गया था। फिर हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन। वैदिक काल में धर्म में बहुत ज्यादा जटिलता आ गई, जिसके कारण दो नए धर्मों का जन्म हुआ। कौन कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोनों धर्म क्या थे, कैसे थे, इनके उत्थान का कारण, इनके पतन का कारण, इसमें हम ये देखेंगे। फिर अगला चैप्टर आएगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व का इतिहास। देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास में हम महाजनपद काल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल के बाद जो है लोग समूह में रहना सीख गए थे, तो समूह में रहना वो सीख गए, तो वहां से जनपद बने, जनपदों से महाजनपद बने, तो 16 महाजनपद बनते हैं। तो हम छठी शताब्दी में क्या पढ़ेंगे? महाजनपदों का इतिहास पढ़ेंगे। साथ ही इन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध, जो कि सबको जीत कर और उभर कर आया, और उस मगध का इतिहास हम पढ़ेंगे। साथ जो विदेशी आक्रमण हुए उस समय, दो विदेशी आक्रमण कौन कौन से? ईरानी और यूनानी। यूनानी में फेमस है सिकंदर, तो दो हम उसका पूरा विवरण यहाँ पे देखेंगे। फिर द्वितीय नगरी क्रांति पढ़ेंगे। प्रथम नगरी क्रांति किसको बोलते हैं? प्रथम नगरी क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं। दूसरी नगरी क्रांति महाजनपद काल को बोलते हैं। तो इसका महत्व क्या था, क्या इस समय चेंज आए, खासतौर पर सिक्कों के प्रश्न के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, इसी मगध के राजा को हरा कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना की थी। फिर मौर्य काल जब खत्म होता है तो मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल का पतन होता है, उसके बाद कुछ समय तक छोटे मोटे जो राजा होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर गुप्त काल का उदय होगा, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब गुप्त काल
खत्म होगा तो गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, इसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है गुप्तोत्तर काल को। फिर हम राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे, चंदेल, चालुक्य, परमार, ये सब कौन कौन से थे, यहाँ वहाँ छोटे छोटे राज थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम चोल, चालुक्य और पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे संगम काल। संगम काल क्या है? संगम हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, यानी हम दक्षिण भारत का इतिहास किस आधार पर पढ़ते हैं, तो संगम युग काल उसको बोलते हैं, संगम युग बोलते हैं। इसमें दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे। फिर विविध में हम क्या पढ़ेंगे, विविध में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस समय लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें, उनके लेखक कौन कौन से हैं और क्या कहते हैं राजा कौन से थे, उनकी राजधानी क्या थी, ये मैं आपको एक साथ नोट में बनवा दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यार आज छोटी वीडियो थी, आज सिर्फ पाठ्यक्रम पे चर्चा की मैंने। कल मैं आपके लिए पहला चैप्टर जो लेके आऊँगा उसका नाम होगा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। तो कल यहाँ से मैं शुरू करूँगा। पहले मैं आपको इतिहास शब्द से मैं आपका परिचय कराऊंगा, इतिहास के पिता कौन, इतिहास शब्द कहाँ से आया, फिर मैं आपको पहला चैप्टर लेके आऊँगा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि भारी मात्रा में बच्चे हमसे जुड़ पाएँ और इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो मैं मिलूंगा कल आपसे पहली क्लास लेके प्राचीन इतिहास की। आप लोग का सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है, सहयोग करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।